जिस समय सीता जी का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम का मन सीता जी के वियोग में दुखी था। जिस दिल में जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है, उसका वियोग दुखद लगता है। और जिससे मनुष्य पहले से ही दुखी रहता है, उसका जब वियोग हो जाता है तो वो वियोग दुखद नहीं होता, क्योंकि पहले से ही दुखद था, उसी से दुखी रहता था। इसलिए कितने लोगों की पत्नी मर जाती है तो दुखी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी भर दुखी रहे, मरने में ही सुखी हुए। इसलिए सीता जी से सुख सीखो कि आपका वियोग आपके पति के लिए दुखद होना चाहिए और आपका मिलन आपके पति के लिए सुखद होना चाहिए। यदि मिलन सुखद होगा तो वियोग दुखद होगा। तो भगवान श्री राम दुखी थे। राम ने यह संकेत दिया है कि पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र सास बहू देवरानी जेठानी माँ बेटी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे का वियोग दुखद लगना चाहिए और मिलन सुखद लगना चाहिए। कई बार कितने लोगों से तुम मिलते हो तो उनका मिलन तुम्हारे लिए बड़ा दुखद होता है। कितने लोग कहते हैं कि जब वो व्यक्ति मुझसे मिलता है या मैं उसको देखता हूँ तो मेरा खून जल जाता है। अब ये क्या हो रहा है? खून जल गया। बिना कढ़ाई में डाले हुए और बिना चूल्हे पर चढ़ाए हुए उसका खून जल रहा है, कमाल है। और ऐसी खून जलाने की कला है तो फिर जब पूड़ी बनाना हो तो तू थोड़ा सा तेल को भी खौला के जला दो, उसी में पूड़ी बन जाए। इसलिए जगत में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम दुखी थे, परंतु राम कि मन में इसलिए दुख है कि सीता जी का वियोग हो गया है। तो क्या सीता जी के मन में सुख है? नहीं, सीता जी के मन में भी दुख है। और कितना दुख है अब इसको तो कोई तौल नहीं सकता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि राम से थोड़ा ज्यादा दुख सीता जी को है, क्योंकि राम तो यथास्थान है पर सीता जी का रावण के साथ प्रस्थान है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दुखद है। क्योंकि जैसे राम का वियोग सीता जी से हुआ है, ऐसे सीता जी का वियोग राम जी से भी हुआ है, दोनों दूर हो गए। अब ये प्रसंग आज आपको मैं सुनाऊंगा, वियोग का दुख। अभी इस प्रसंग के अंतर्गत बहुत सी बातें आएंगी, पर इसको अभी रोकता हूं, एक दूसरे प्रसंग को तैयार करता हूं। दूसरा प्रसंग है कि आपने श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है और कृष्ण की गीता प्रायः सभी के घरों में पूजा के रूप में, स्वाध्याय के रूप में स्थापित रहती है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आत्मज्ञान
कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग की शिक्षा देता है। और गीता उस सदग्रंथ का नाम है जिसे कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के शुभारंभ होने से पूर्व अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया था। इसलिए सुनाया था कि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो अर्जुन ने अपने कुल कुटुंबियों को, दादा बाबा आदि को खड़े हुए युद्ध मैदान में देखा, धनुष बाण डालकर बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए मुझे हिस्सा नहीं मिल रहा, यही एक सवाल खड़ा है, मैं नहीं लड़ूंगा, अपने लोगों को मारूंगा नहीं, मोह आ गया। अर्जुन की आंसू आ गए। मोह हमेशा आपको पिघला देता है, कोमल कर देता है, रुला देता है, आंखों को नम कर देता है। और तुम हजार कोस की दूरी पर बैठे हो, करोड़ कोस की दूरी पर बैठे हो, लेकिन जिसके प्रति आपका ज्यादा ममता है, मोह है, उसके जीवन की यादें जब आएगी तुम कमरे में अकेले भी रो लोगे। और वे मधुर यादें, दुखद यादें, दुख देने वाली तुम्हारे दादाजी जब मर जाते हैं, दादी मर जाती है, माँ मर जाती है, पिताजी मर जाते हैं, तब तुम उनको याद करके रोते हो और मन में सारी फिल्म आती है कि दादाजी थे तो उनके पीने के लिए दूध आता था, थोड़ा पीते थे, हमको पिला देते थे, इस तरह से याद। हम कभी रोते थे, दादाजी हमको मनाते थे, ये सारे बहुत प्रसंग, जीवन के प्रसंग याद आ जाते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है, तुम दूसरे के घर में, दूसरे की मृत्यु में जाते हो तो वहां उस घर के लोग रो रहे हैं, लेकिन तुम भी रोने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें तुम्हारे पिताजी की मृत्यु की भी याद आ जाती है और साथ में दोनों का प्रभाव आपको रुला देता है। तो ये अर्जुन का मोह भंग करने के लिए, मोह तादाद से अधिक हो जाए तो भगवान भी उस मोह को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। नष्टो मोह अस्मृतिर लब्धा। तो 700 श्लोक की गीता सुनाया है। तो गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि वे कौन से लोग हैं, हे कृष्ण, जिनके जीवन में सदैव सुख निवास करता है, कभी दुखी नहीं होते, उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या रहनी होती है, जिनके पास में दुख आते आते सुख में बदल जाता है, जिनके ऊपर हम कांटे फेंकते हैं लेकिन वो फूल बन जाते हैं, उनमें कौन से गुण होते हैं। श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, अर्जुन
तुमको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? अर्जुन ने कहा कि शायद मुझे जरूरत हो न हो, लेकिन मेरे माध्यम से पूरे जगत को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पूरा जगत हंसते हंसते जिंदगी बिता पाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं। जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं सोचते, वो 10-20 पीढ़ी आगे की बात सोचते हैं। और जो मीडियम बुद्धि के होते हैं वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। और जो बहुत कम बुद्धि के होते हैं वो केवल अपने लिए सोचते, फैमिली के लिए भी नहीं सोचते। और जो बुद्धिमान होते नहीं यानी बुद्धू टाइप के होते हैं वो खुद के लिए भी नहीं सोचते। वो सोच कुछ सोचना ही नहीं। जानवर भी अपने लिए तो सोचता ही, वो जानवर से भी नीचे गिर गए अब क्या करोगे, उनको पत्थर समझ लो और क्या। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी पत्नी अगर कभी कुछ कड़क बोल दे तो राम की तरह मुस्करा देना कि कम से कम घर में तो है, कोई रावण तो नहीं ले गया इसको। सहनशीलता रखना, उलझना मत। और कभी आपका पति थोड़ा डांट दे बुरा मत मानना, ये सोचना जिंदा है तो डांट रहा, मर गया होता तो कौन डांटता। ये पीछे वाले हंसते बहुत कम है, पता नहीं इनको क्या हो गया, ये कुछ टेंशन में ज्यादा ही है, थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा जोर से हंसने से क्या है ना, सिर दर्द खत्म हो जाता है। मैं अभी आया तो थोड़ा ऐसा लग रहा था सिर कुछ भारी है, तो बाम लगाया तो बाम भी काम नहीं आया, तो हमने कहा बम बम का बाम लगाओ वो भी काम। तो फिर मैंने सोचा बाम वाम का जरूरत नहीं है, थोड़ा जोर से हंस दो सब ठीक हो जाएगा, जब हंसा मैं तो ठीक हो गया। बदन में कहीं भी दर्द हो, ये बड़ा ट्रीटमेंट है साइकालास का, आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो आप कुछ नहीं करना है, दर्द को थोड़ा भूल जाइए, जोर से हंस दीजिए, जोर से हंसिए। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल उत्पन्न होता है और वो शरीर में कहीं भी कोई भी रोग है दर्द है उसको फट से वहां पहुंच करके कंप्लीट कर देता है, इसलिए हंस देना चाहिए। यहां मैं इलाज भी कर देता हूं बिना पैसे इलाज, इसलिए तो लास्ट में दक्षिणा भी लेता हूं, थोड़ा कुछ मिलना चाहिए। जगह जगह डिब्बे बंधवा रखा हूं कि भाई यहां न पहुंचो तो वहीं दे दो, इलाज भी किया हूं, पर कुछ लोग ऐसा है फोकट में इलाज कला के चला जाता। हंसना है, कृष्ण हंसते थे, राम मुस्कराते थे और सीता जी भी मुस्कराती रहती थी। और कबीर साहेब प्रसन्न रहते थे और हंसने का सौभाग्य, मुस्कराने का सौभाग्य, प्रसन्न रहने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। पशु पक्षी हंस नहीं सकते हमारे आपके जैसे, और हम हंस सकते हैं तो हंसते नहीं है, और हंसते वही नहीं है जो कहीं फंसते हैं, जो फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते। चाहे नशा में फंसते हैं तो नहीं हंसते, या किसी बुराई में फंसते हैं वो नहीं हंसते, किसी उलझन में फंसो मत, कोई नशा करो मत, तंबाकू भी मत खाया करो, जरूरत नहीं, शराब तो बिल्कुल मत पिया करो, देखो खुशी बढ़ेगी आपकी। और
काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष ये सब मनोविकारों से भी अपने को बचाओ। बहुत बड़ा संसार है, किससे ईर्ष्या करूं, किससे करूं, क्यों करूं, क्या जरूरत है। जिसका जितना कर्म है, भाग्य है, उतना अपना बढ़ रहा है। और क्रोध भी बहुत मत करो। ये सब कितने लोग तो जब तक जागते हैं तब तक गुस्सा में ही रहते हैं। अब उनकी आदत बन गई गुस्सा में रहने की, तो कभी वो खुश रहते ही नहीं। सब ठीक है फिर भी उनका दिमाग चढ़ा हुआ है, माथा चढ़ा हुआ है, पूरा मुंह बिगड़ गया। जिंदगी का आनंद क्रोध की अग्नि में सब भस्म कर दिया है। और ये दुनिया ऐसी ही रहती है, इसमें कोई ज्यादा सोचे पूरा कंप्लीट हो जाए, लोग पूरा हो नहीं सकते। कितनी सरकार आई, कितनी सरकार बदल गई, किसी सरकार में थोड़ा चोरी कम हो जाती है, किसी में थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन रहती है। किसी में थोड़ा रेप कम हो जाता है, रेप में गैप हो जाता है, और किसी में रेप थोड़ा बढ़ जाता है, और किसी सरकार में थोड़ा घोटाले कम हो जाते हैं, किसी में लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता, क्योंकि उनमें सब में चुट्टा तो सब वही भरी हुई है, सब संसार के लोग तो वही है। बड़ी समस्या है। आप बहुत ज्यादा सोचें अपनी पत्नी को टाइट करके पूरा सुधार दो, तो टाइट ज्यादा करोगे सुधरेगी तो नहीं, लेकिन मरेगी जरूरी है।